श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा, आप लोगों का एस्ट्रो गुरु। एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आपके पास धर्म एवं ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेके आता है। जी हाँ, मैं एक एपिसोड लेके आया हूँ व्यापारिक वर्गों की आर्थिक सबलता। जी हाँ, व्यापारिक वर्ग कैसे अपनी आर्थिक सबलता को बनाएं। जी, लगातार आर्थिक स्थिति गिरती हुई, उसको कैसे ठीक करें। तो मैं एक बात बताने जा रहा हूँ कि जो मैं अभी राशि बता रहा हूँ वो राशि है मिथुन। जी हाँ, मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में आर्थिक सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे मिथुन राशि वाले जातक के जीवन में जो उथल पुथल तमाम चीज़ें हैं उसको ख़त्म करके व्यापारिक अपने व्यापार को सबल कर सकते हैं। और व्यापार जैसे ही सबल होता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो अपने व्यापार को सबल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं मिथुन राशि वाले जातक, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप ही लोगों के द्वारा प्रश्न पूछा गया। आप ही लोग लगातार पूछे कि गुरुजी, मेरा आर्थिक स्थिति, मेरा व्यापार, मेरा बिजनेस ठप पड़ता जा रहा है, क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे इसको ठीक करूँ। तो मैं उसका सॉलिड और सटीक उपचार लेकर आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। और यह उपचार अनुसंधान के साथ है, यह उपचार प्रामाणिकता के साथ है। ये आप इन उपचारों को करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। देखिए, मिथुन राशि वाले जातक अपने आर्थिक स्थिति अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गणेश जी के शरण में चले जाएं, गणेश जी के शरण में चले जाएं और वही आपका उपचार करेंगे, वही आपका निदान करेंगे। देखिए, दुर्बा प्रत्येक दिन आप दुर्बा 108 दुर्बा लेकर गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के साथ अर्पित करें। दुर्बा में आप रोली चंदन जरूर लगाएं। रोली चंदन लगाकर दुर्बा गणेश जी को 108 दुर्बा ओम गण ऐसे मंत्र करके डाल सकते हैं, या फिर ओम गण गणपतये नमः मंत्र करके 108 दुर्बा आप गणेश जी को अर्पित करें। साथ ही साथ आप मूंग दान करें, संभव हो सके तो आप मूंग जो है वो लेकर पक्षियों को खिलाएं, पक्षियों को मूंग खिलाएं। मूंग खिलाने के प्रभाव से आप देखेंगे कि आपके घर में जो दरिद्रता रही, जो जिसके कारण आपका बिजनेस किसी न किसी कारण से ठप हो रहा है, वो कारण की ही समाप्ति हो जाएगी और आपका बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा। अरे, विवाद भी समाप्त हो जाता है यदि आप पक्षियों को मूंग खिलाएं। तो साथ ही साथ आप गाय को हरा चारा भी दें, गाय को हरा चारा देना है। और अपने हाथों में यहां इस जगह पर चिड़चिड़ी बांधना है, मार्ग बाधा का जड़ जो है उस जड़ को हरे धागे में लपेटकर अंगूठे के नीचे बांधना है और 15 दिनों पर उसे परिवर्तित कर देना है, 15 दिनों पर उसको चेंज करना है। यह आपको रूटीन में रखनी ही रखनी होगी। साथ ही साथ आपको प्रातःकालीन उठकर हरे घास पर चलना है, इससे आपकी मना स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आप कहीं भी रह रहे हो, किसी भी स्थल पर रह रहे हो, हरियाली मतलब हरे चीज़ों का दर्शन नहीं आप चल पा रहे हैं, नहीं स्थिति हो तो अपने घर में ही आप हरे रंग का कोई तस्वीर लगा लें, हरे रंग का फूल फ्लावर लेके आ जाएं, हरे रंग की चादर बिछा लें, मगर इस प्रकार की चीज़ें आपको करनी ही करनी होगी। और तो और, यदि आप अपनी पत्नी को या पति पत्नी अपने पति को, यदि व्यवसाय पत्नी कर रही है तो पति को, या पति व्यवसाय कर रहा है तो पत्नी को हरे रंग का कपड़ा पहनाए, हरे रंग की साड़ी पहनाए या हरे रंग का शर्ट वो दे अपने पति को पहनने के लिए, उससे इंद्रिय सन्निकर्षता होती है और इंद्रिय सन्निकर्षता होने से आपका डिसीजन सटीक होगा और आपका व्यवसाय बहुत ही उत्तम चलेगा। तो अपने व्यापार को उत्तम करने के लिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैंने जो उपचार बताया है उन उपचारों को आपको करना होगा। और
गणपति का भजन करना पड़ेगा। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न को हर देंगे। मैं लंबोदर से, विघ्नहर्ता से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप लोगों का व्यापार व्यवसाय बहुत ही उत्तम चले, और मैंने जो आपको उपचार बताया है इन उपचारों को करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका व्यवसाय उत्तम रहेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती पतये, नमस्कार।